We all welcome you in India's best learning platform, upcoming IAS. And today's topic of discussion is about the exercise Therma So, without doing any further delay, let's talk about this exercise and in which countries they are going to help. So, recently, uh, the news according to the news, the exercise Therma in India and Japan, which is 17 February se to March. Tak टू मार्च टू तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा एट दी कैंप इमाजू जो कि जापान के अंदर एक शिगा प्रोविंस है उसके अंदर और ये uh, जो धर्म गार्जन फोर्थ एडिशन है इस बार जो होने जा रहा है इंडिया जापान के बीच और uh, ये 2018 से हर साल एनुअली ये जो एक्सरसाइज थर्म गार्जन दोनों कंट्रीज के बीच में होती आई जिससे कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की टेक्टिक uh, टेक्निक्स को टैक्टिक्स को uh, सीखें एक दूसरे से चीज़ें इवॉल्व करें प्लानिंग प्लॉटिंग की चीजें देखें एग्जीक्यूशन के लेवल पे देखिए कि जब एग्जीबिशन करना होता है तब क्या सिचुएशन रहती है मीन्स एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है एंड एक ये एक डिफेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसकी वजह से कि दोनों जो दोनों कंट्रीज की आर्मीज हैं वो थोड़ा और ज़्यादा ट्रेन हो इसीलिए ही एनअल बेसिस पर करी जाती है एंड जो उसका थर्ड एडिशन था वो फेबरी टू ट्वेंटी से टेंथ मार्च 2022 तक फॉरेन ट्रेनिंग नोट बेलगाव में कराया गया था इसका थर्ड एडिशन इसलिए इसका जो इस बार फोर्थ एडिशन है वो पे होने वाला है वो कैंप एमास में होने वाला है और स्टूडेंट ऐसी जो भी एक्सरसाइज होती हैं चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो या फिर कोई भी बायोलिटरल टाइज होते हैं ये बेसिकली इनसे होता क्या है कि दोनों कंट्रीज आपस में अपने रिलेशन को फॉस्टर तो करते ही हैं इसके साथ साथ जो वहाँ की आर्मीज़ हैं उनके बीच में भी जो रिलेशन है वो अच्छा होता है क्योंकि जब भी कोई ऐसा समझो गया तो कोई आर्म ट्रिब्यूनियन हो गया ठीक है एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया सो so, उस टाइम पे जो आपकी फ्रेंडली कंट्री है वो आपको एड प्रोवाइड करती है दैट्स so, भी जो ये जो ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसके साथ साथ आप जब एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं तो आप इंटरऑपरेबिलिटी भी सीखते हैं आप उस अपने अंदर उस चीज को एनहांस करते हैं कि क्या कैसे प्लानिंग हो सकती है किस लेवल पर और जाके हम सोच सकते हैं और एग्जीक्यूशन के टाइम पर कैसी चीज़ें एक्ट होंगी क्योंकि ये जो डिफेंस एक्सरसाइजेस हो रही है मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं अगर ये इससे पहले इनकी ट्रेनिंग ना कराई जाए सो एट दी वॉर फील्ड ये लोग वर्क कैसे करेंगे इन्हें कुछ पता ही नहीं होगा एक चीज़ें एग्जीक्यूट चीज़े, चीज़े, चीज़े कैसे करनी है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए सो इसी ये जो एक्सरसाइजें कराई जाती हैं सो so, अगर हम इंडियन आर्मी की साइड से बात करें सो so, जो गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट्स हैं उनके ट्रूप्स और अगर हम जापान की साइड से बात करें तो जो ग्रुप ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज है जापान की जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज दैट तो इज जे जी एस डी एफ ये दोनों ही इस बार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट लेने वाली हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलजुल काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली हैं और इस एक्सरसाइजेस का स्कोप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़े लेवल पे है क्यों क्योंकि इसे प्लेटून लेवल बोला गया है इस जॉइंट ट्रेनिंग ऑपरेशन के अंदर जो नॉर्मल फील्ड एरियाज़ में एक्सरसाइज होती है वो तो होंगी ही होंगी लेकिन जो जंगल और फॉरेस्ट वाला एरियाज़ होता है उसमें भी इनकी जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट कराई जाएगी क्योंकि वहाँ पर आपको पता है अलग तरीके से आपको एक्शन लेना होगा आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग अलग होनी चाहिए और अगर वो सेमी अर्बन एरिया है या फिर व

आप अभी से पता है लेकिन उस टाइम पे तो आपको ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देने होंगे ना देनेटेनियस वर्क करना होगा तो इसीलिए ही सर्विलांस ग्रिड्स भी आपको बनाने सही जा रही है और सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एरियल एसेट्स ओके सो इसलिए काफी ज्यादा जो एक्सरसाइज होती है जो एग्रीमेंट होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम आगे इस एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो ये इससे होगा क्या जो दोनों आर्मीज हैं वो एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिस सीखेंगे क्योंकि कोई किसी वॉरफेयर में बहुत ज्यादा बेस्ट टेक्टिक्स टेक्निक्स होंगे और कुछ जो होगा वो अदरवाइज किसी और चीज में होगा सो इसीलिए अलग अलग प्रोसीजर्स देखने को मिलेंगे उन ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए और बायोलेटरल टाइज जो है वो उसके साथ साथ स्ट्रेनिंग तो होंगे ही होंगे क्योंकि जब उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में आ, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं एक्सरसाइजेस हो रही है इसलिए ये बायोटल टाइज तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे और इसी आपके साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन के जो करंट अफेयर्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोलिटरल टाइज या फिर एक्सरसाइज एग्रीमेंट्स वगैरह पूछे जाते हैं इसीलिए और जब जापनीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज हमारी डायनिकी के साथ काम करेंगे सो एक अलग ही तरह का यू नो एक और होगा और बाकी और कुछ भी एक्सरसाइज है जो

So with this we'll end the session here do share it with your friends so that they can also get the benefit of friends booster series and stay tuned for the next update